भाई साहब, आई रियली डोंट नो हाउ ओला इलेक्ट्रिक इज डूइंग दिस। देखो आप, प्राइस इतने ड्रॉप हो चुके हैं। ओला S1 प्रो जेन 2 अभी 1,30,000 एक्स शोरूम प्राइस में मिल रहा है, सिर्फ 1,30,000। मतलब ऑन रोड प्राइस 1.5 लाख के नीचे आ चुका है ओला S1 प्रो जेन 2 का। 1,05,000 एक्स शोरूम प्राइस में आपको ओला S1 एयर मिल रहा है, एंड ओला S1 एक्स प्लस सिर्फ 85,000 एक्स शोरूम प्राइस में मिल रहा है। भाई ये चल क्या रहा है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ ओला इलेक्ट्रिक इज गोइंग टू कम अप विद देयर प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस, बिकॉज भाई इतना प्राइस ड्रॉप कर चुके हैं। ये 1,48,000 का इलेक्ट्रिक स्कूटर एक शोरूम प्राइस वाला, 1 लाख सीधा 1,30,000, मतलब 18,000 रुपए इन्होंने यहाँ पे कम कर दिए। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी लगभग ये 1,19,000 को मिलता था, 1,05,000 को मिल रहा है, मतलब 14,000 रुपए यहाँ पे कम कर दिए। और ये 1,10,000 को मिल रहा था, 85,000 को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे तो भाई 25,000 रुपए लगभग इन्होंने कम कर दिए। 10 और 10 और 5, 25,000 रुपए ओला S1 एक्स प्लस 25,000 रुपए कम हो चुके हैं। भाई 3 किलोवाट आवर वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 125 किलोमीटर का टूर रेंज दे देता है। तो आज की इस वीडियो में ओला ने ये जो धमाका किया है, जो फरवरी के ओला के ऑफर्स चल रहे हैं, इसके ऊपर पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं ओला के इतने प्राइस ड्रॉप मुझे नहीं लगता फिर से होने वाले हैं। बट एक डिस्क्लेमर देता हूं, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन वीडियो, ये मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। मैं कौन सा भी पैसा लेके ओला का वीडियो नहीं बना रहा हूं, आप देख लेना, आपको अच्छा लगता है तो आप खरीद सकते हो। तो आज मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं, ओला S1 प्रो अभी मुझे बेस्ट डील लग रहा है 1,30,000 प्राइस में एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको, जिसमें 195 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज मिल जाता है, ट्रू रेंज आपको लगभग मिल जाता है, दिखा दूंगा। 180 किलोमीटर का कहते हैं ये इको मोड में, 11 किलोवाट पीक पावर वाला इसमें मोटर है, 120 kmph का टॉप स्पीड है। बट सर्विस किधर है? आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि ओला उनकी सर्विस भी इंप्रूव करे। अभी आपको बता देता हूं इनका प्राइस ड्रॉप इतना क्यों कर रही है। इतना प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि भाई इनको लॉसेस जो है ना इनके, दिखा देता हूं आपको ओला के लॉसेस कितने चल रहे हैं, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, क्योंकि भाई जानकारी एकदम तोड़म ताड़ और परफेक्ट देना ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो यहां पे मैं न्यू टैब कर रहा हूं, यहां पे लिखता हूं मैं ओला इलेक्ट्रिक लॉसेस, दिखा देता हूं आपको इतना प्राइस ड्रॉप क्यों कर रहा है ओला इलेक्ट्रिक। सो ओला इलेक्ट्रिक, ओके ओला इलेक्ट्रिक आ गया, ओला इलेक्ट्रिक, ओके, और यहां पे मैं डाल रहा हूं लॉसेस, दिखा देता हूं व्हाई ओला इलेक्ट्रिक इज पुशिंग सो मच ऑफ प्राइस ड्रॉप इन देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओला इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स, ये 11 दिसंबर 2023 का न्यूज है, ओला इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स ₹2,782 करोड़ रेवेन्यू, लॉसेस डाउन बाय 43%, मतलब इंप्रूवमेंट हो चुके हैं। तो यहां पे आप देखो लॉसेस जंप 4x, ये 10 अगस्त का है, ये 11 दिसंबर का, इस न्यूज को खोलते हैं हम। एंड यहां पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूं जो लॉसेस है वो कम हो चुका है कहते हैं, बट कितने लॉसेस है वो दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो, ओके, तो यहां पे रेवेन्यू जो था वो 150% से अप हो चुका है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 456 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी वो 2782 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। एंड भाई लॉसेस के बारे में तो बोलो, तो यहां पे आप देखो रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड ईबिटा, यू कैन सी द लॉसेस। नेट प्रॉफिट तो अभी है ही नहीं है, निगेटिव में चल रहे, देखो आप नेट प्रॉफिट अभी भी निगेटिव है। एंड दिस इज अ वेरी बैड इनसाइट, कंपनी रिपोर्टेड एबिटा ऑफ EBITDA, पता है ना आपको, ये लॉस ऑफ 1,318 करोड़ एंड टोटल एक्सपेंसेस जंप टू 3,380। भाई ये करोड़ में ही चल रहे हैं, करोड़ में ही चल रहे हैं। तो एक सिंपल बात बोलो, ये सारी चीजें ना ओला को अभी परेशान कर रही है, इनका IPO भी आ रहा है, इसी की वजह से इतना प्राइस ड्रॉप है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे भाई इतना प्राइस ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको सेल बढ़ाना है, इनको क्वांटिटी में खेलना है, इनको क्वांटिटी में खेलना है। तो दिखा देता हूं भाई ओला S1 प्रो जेन 2 की क्या हालचाल है। ओला S1 प्रो जेन 2 एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें आपको तगड़े फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, जैसे आपको इसका फीचर पैक्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा, आपको यूनिक कलर्स मिल जाएंगे, एंड ऑल एंड ऑल आई वुड से दिस इज द बेस्ट पैकेज विच यू कैन गेट एट सच अ लो प्राइस, 1,25,000 एक शोरूम प्राइस में। इससे और क्या चाहिए आपको? इसमें और एक नई बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें अभी आपको 8 साल का बैटरी वारंटी, 8 साल या 80,000 किलोमीटर का बैटरी वारंटी भी मिल जाएगा। तो मैं सीधा क्या करता हूँ, इसको ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड लेट मी शो यू
कि ऑर्डर करने के बाद कंपैरिजन दिखा देता हूँ कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या अच्छा मिल रहा है। गाइस अपने चैनल पे आज 90,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो आपका प्यार आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे, बहुत ही जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हमें पूरे करने हैं। एंड आई एश्योर यू जितना डिटेल वीडियो में आज बना रहा हूं, उतने ही डिटेल वीडियो में 1,00,000 क्या 2,00,000 क्या 5,00,000 क्या 1,000,000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाए तो भी इतने डिटेल वीडियो हमेशा बनाते रहूंगा। तो अगर आप नए हो ना तो आपका सपोर्ट जारी रखेगा। तो यहां पे ये देखो पेज खुल चुका है, यहां पे देखो 1,30,000 एक शोरूम प्राइस अभी ओला का दिख रहा है, ओला S1 Pro Gen 2 का, ओला S1 Air का देखो यहां पे दिख रहा है 1,05,000 सिर्फ एक शोरूम प्राइस है। एंड ओला S1 X में अगर ओला S1 X Plus ले लो तो सिर्फ 85,000 यहां पे एक शोरूम प्राइस है। तो इसका ऑन रोड प्राइस कितना चला जाता है एज पर द न्यू प्राइस वो मैं आपको दिखा देता हूं। 8 साल की वारंटी इस प्राइस ड्रॉप में मिलेगी आपको, 8 साल या 80,000 किलोमीटर की वारंटी, मतलब आपका अगर हर महीने का 1,000 किलोमीटर रनिंग है, रोज का अगर आपका 30 किलोमीटर रनिंग है तो महीने का 900 बन जाता है, तो अपन 1,000 पकड़ लेते हैं तो पूरे साल का 12,000 किलोमीटर बन जाएगा। 80,000 बाय 12,000 अगर आप करोगे 12 से 72 तो 6 साल तो लगेंगे, 6 साल में आपकी जो बैटरी वारंटी खत्म हो जाएगी। बट मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है अगर इतनी वारंटी एक्चुअली मिल रही है, बट सर्विस भी मिलनी चाहिए। अगर वारंटी पे गाड़ी खराब हो जाए और उसको सर्विस ना मिले तो वो वारंटी भी कुछ काम की नहीं है। ओके तो यहाँ पे ओला S1 Pro Gen 2 की जो कंपेरिजन है वो हम देख लेते हैं बहुत ही जल्दी बाकी के मॉडल्स के साथ। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली मुझे अभी ये बेस्ट बजट 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लग रहे हैं, ओला S1 Pro Air एंड ओला S1 X Plus। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ओला S1 Pro Gen 2 में आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ओला S1 Air में थोड़े एक दो फीचर्स कम मिलेंगे और ओला S1 X Plus में तो और भी कम मिलेंगे। तो ओला S1 Air एंड ओला S1 X Plus दोनों का जो बैटरी पैक है इट इज ऑफ 3 kWh, दोनों का जो रेंज है इट इज सेम, इट इज 125 km ऑफ ट्रू रेंज, 151 km का ऑफ ARAI सर्टिफाइड रेंज, पर यहां पे 195 km का ARAI सर्टिफाइड रेंज आपको ओला S1 Pro में मिल रहा है। टॉकिंग अबाउट होम चार्जिंग टाइम तो यहां पे बहुत डिफरेंस है तगड़ा ओला S1 X Plus एंड बाकी के दोनों में। यहां पे 7.5 घंटे आपको ओला S1 X Plus में मिल जाते हैं क्योंकि इसमें 500 वाट का चार्जर मिलता है खाली, और ओला S1 Air और ओला S1 Pro Gen 2 में 750 वाट का चार्जर मिल जाता है, दैट्स व्हाई चार्जिंग टाइम रिड्यूस है। जितना चार्जर बड़ा होगा उतना जल्दी आपका बैटरी चार्ज होगा। यहाँ पे मोटर दोनों की सेम है, ओला S1 Air लो या ओला S1 X Plus लो, दोनों में आपको BLDC हब मोटर मिल जाता है 6 kW पिक पावर वाला, ओला और ओला S1 Pro Gen 2 जो है उसमें आपको 11 kW पिक पावर वाला IPMA मोटर मिल रहा है। तो 34 लीटर्स का बूट स्पेस तो तीनों में है ही, ट्रू रेंज यहाँ पे 180 का मिल रहा है, बाकी दोनों में 125 का मिलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एंड टच स्क्रीन डिस्प्ले तो यहाँ पे ओला S1 Air एंड ओला S1 Pro में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा, बट ओला S1 X Plus में आपको सेगमेंटेड LCD डिस्प्ले मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ओला S1 X Plus आपको मिल रही है बहुत कम प्राइस में, 85,000 एक शोरूम प्राइस में, बट उसमें आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलेगा। डिजिटल की आपको तीनों में मिल जाएगा, टॉप स्पीड ओला S1 Air एंड ओला S1 X Plus में 90 का मिल जाएगा, वेयर एज ओला S1 Pro में आपको 120 kmph का टॉप स्पीड मिल जाएगा। एंड हाइपर मोड से आपको ओला S1 Pro में मिलेगा। यहां पे ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि जो ग्रेडेबिलिटी है तीनों में सेम है, मतलब इनका कहना है कि हम BLDC मोटर यूज कर रहे हैं ओला S1 Air एंड ओला S1 X Plus में, उसको भी 15 degree का ग्रेडेबिलिटी मिलेगा, एंड ओला S1 Pro Gen 2 को भी 15 degree का ग्रेडेबिलिटी मिलेगा। चार्जर का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहां पे 750 का जो चार्जर है एयर में और प्रो में, वेराज ओला S1 X Plus में 500 वैट का ही चार्जर है। कर्व वेट ऑफ कोर्स बैटरी बड़ी है ओला S1 Air ओला S1 Pro Gen 2 की, उसका कर्व वेट ज्यादा है 116 kg का, उसकी मोटर भी कैपेसिटी ज्यादा है तो उसका कर्व वेट बढ़ जाता है। बाकी वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में वेट तो बाकी की चीजों से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं होता, मोटर बैटरी से भी वेट कंट्रीब्यूट हो जाता है। तो ओला S1 Air एंड ओला S1 X Plus में 108 kg का वेट है आपका कर्व वेट। आप सोचोगे भाई तक फास्ट क्यों बोल रहा है भाई, लेंदी वीडियो बन जाते हैं फिर आप पूरे देखते नहीं, तो मुझे कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक वीडियो देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है दैट इज ऑफ द फीचर्स, तीनों में आपको साइड स्टैंड अलर्ट मिल जाता है, तीनों में आपको रिवर्स मोड मिल जाता है, तीनों में आपको इको मोड स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, हाइपर मोड सिर्फ आपको ओला S1 Pro में मिलेगा, OTA अपडेट्स आपको तीनों में मिलेंगे, म्यूजिक आपको ओला S1 X Plus में नहीं मिलेगा, ओला S1 Air में मिल जाएगा। तो मुझे लगता है म्यूजिक चाहिए ही क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है वो कम्यूटिंग के लिए यूज होती है, गाने बजाने में के लिए स्पीकर लगा लो घर पे, होम थिएटर लगा लो, आप कानों में ईयरबड्स डाल लो या आप हेडफोन लगा लो, क्यों गाने आपको गाड़ी में लगाने हैं आई रियली डोंट नो। रिमोट बूट अनलॉक तीनों में मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तीनों में मिल जाएगी, नेविगेशन तीनों में मिल जाएगा, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी तीनों में मिल जाएगा। अब यहां पे नया अपडेट लग रहा है, पहले ओला S1 X Plus में नेविगेशन नहीं मिलता था, अभी यहां पे ओला S1 X Plus में भी नेविगेशन दिखा है, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी तीनों में मिल जाएगा। तो यहां पे अभी अगर आप देखो कि आपको थोड़ा कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो बेस्ट ऑफर मुझे ओला S1 X Plus का लग रहा है, बट अगर आपको
130,000 रुपए लगभग खर्चा करना है ओला S1 प्रो, तो है वो एक्स शोरूम प्राइस 130,000 है। इसको मैं अभी पूरा बुकिंग करके फाइनल अमाउंट कितनी आती है वो भी दिखा देता हूँ। ऑन रोड प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पिन कोड डाल रहा हूँ मैं नासिक का हूँ, तो यहाँ पे जय महाराष्ट्र जय भारत जय हिंद यहाँ पे मैंने 422009 कर रहा हूँ मैं। ओके यहाँ पे गो किया, सो नासिक यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, कंटिन्यू कर रहा हूँ। वेरी गुड, तो 27 फरवरी तक मेरे को इसकी डिलीवरी मिल जाएगी ऐसा इनका कहना है। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू पे टैप किया एंड अभी वो एसेसरीज इंश्योरेंस के बारे में मुझे पूछेगा। देखो अभी यहाँ पे इंश्योरेंस का आ चुका है, लगभग 11,837 रुपए का मुझे इंश्योरेंस लग जाएगा इंक्लूडिंग ऑन रोड प्राइस। इसमें एक साल की ओन डैमेज एंड 5 साल की थर्ड पार्टी की वारंटी इंश्योरेंस यहाँ पे क्लेम हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटेक्ट योर चार्जर एंड स्क्रीन 800 रुपए पर ईयर मैंने सिलेक्ट कर लिया है, प्रोटेक्शन फॉर रोडेंट्स फ्रॉम रोडेंट्स भी सिलेक्ट कर गया 700 रुपए पर ईयर, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैंने टॉप नॉच इंश्योरेंस लिया, मैंने बाकी की भी चीजें कवर कर ली इसमें। अभी देखते कितना प्राइस आता है ओला S1 प्रो जेन 2 का है। यहाँ पे देखो 1,48,000 जो हमें एक्स शोरूम प्राइस मिलता था अभी वो ऑन रोड प्राइस मिल रहा है, ये हुई ना बात। तो एक्स शोरूम प्राइस में अगर आप देखो 1,30,000 में लगभग 17,000 रुपए हमने ऐड कर दिए, लगभग 17,000, तो 17,000 रुपए से प्राइस ड्रॉप हो चुका है ओला S1 प्रो जेन 2 का। यहाँ पे बैटरी वारंटी आ चुकी है ऑलरेडी 8 साल 80,000 की, उसमें आप और कुछ किलोमीटर्स ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है तो। यहाँ पे 2 हेलमेट ऐड हो चुके हैं, इंश्योरेंस ऐड हो चुका है, फुलफिलमेंट चार्जेस भी ऐड हो चुके हैं। भाई और क्या चाहिए, ओला केयर अगर आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे यही जानना है, यही बोलना है आपको कि 1,48,000 ऑन रोड प्राइस में यहाँ पे नासिक में ओला S1 प्रो जेन 2 अभी मिल रही है। अभी बहुत ही जल्दी बाकी के जो 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसके बारे में देख लेते हैं, इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। ओके नाउ लेट्स सी कि ओला S1 एयर कितने को मिल रही है, ऑन रोड प्राइस कितना चला जाता है ओला S1 एयर का। तो यहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट करने वाला हूँ ओला S1 एयर। ओके ये 1,48,000 है ऑन रोड, अभी ओला S1 एयर ऑन रोड कितने को जाता है लेट्स चेक दैट। सो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू पे टैप किया, आई होप ये खुल जाएगा। अगला इंश्योरेंस मैंने जो है वो 8,700 रुपए का ऐड कर दिया, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। कंटिन्यू करने के बाद लेट मी चेक कि यहाँ पे कितना प्राइस आ रहा है। तो ओला S1 एयर का ऑन रोड प्राइस देखो 1,18,000, भाई क्या मजा है भाई, 1,18,000 ऑन रोड प्राइस में ओला S1 एयर जैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन। अभी देखते हैं भाई ओला S1 एक्स प्लस, लेट्स सी ओला S1 एक्स प्लस कितने को मिलता है। 1,47,000 ऑन रोड प्राइस है ओला S1 प्रो का, 1,17,000 के आसपास आपको ओला S1 एयर है। अभी लेट्स सी ओला S1 एक्स प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर, यहाँ पे भी बाकी के भी अवेलेबल है जैसे 2 kWh 3 kWh 4 kWh, ये आप देख सकते हो, पर यहाँ पे S1 एक्स प्लस इनको खपाना है तो इसके ऊपर अभी ऑफर चालू है। 27 फरवरी तक मुझे इसका डिलीवरी मिल जाएगा। यहाँ पे 85,000 इसका एक शोरूम प्राइस दिखा रहा है, लेट्स सी इसमें कितने ऐड हो जाता है अगर मैं एकदम हाई एंड का इंश्योरेंस ले लूँ एंड बाकी सारे प्रोटेक्शंस ले लूँ या एसेसरीज एंड ऑन रोड प्राइस चेक करूँ। लेट्स सी कि ओला S1 एक्स प्लस का ऑन रोड प्राइस कितना आ जाता है। इट इज ओनली 98,000 और अप्पा, तो 1 लाख के नीचे 3 kWh वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसमें 125 km का रेंज मिलेगा, जो रिक्वायर्ड फीचर्स है वो मिल जाएंगे, भाई ये तगड़ी बात है। तो मुझे अभी बेस्ट बाय इलेक्ट्रिक स्कूटर यही लग रहा है। ओनली 98,697 में आपको ओला S1 एक्स प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये हुई ना बात। तो भाई मुझे लगता है कि ओला ने ये जो प्राइस ड्रॉप किया है इसको बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप क्या रियली इसको लेना चाहोगे, मैं बोलता हूँ कि सर्विस और मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे ना तो ओला और तबाही करते रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बोलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइट, ऐसे अपडेट्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा लगता है वो भी बताना। मिलेंगे एज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।